अब इस कहानी के उत्तर की तरफ ध्यान देते हैं। अब इस कहानी की कठिन बात यह है कि तीनों ही पात्र एक ही साथ एक ही स्थान से चलते हैं, पर तीनों की गतियां अलग अलग हैं। और सबसे तेज चलने वाला विनीत को बाकी दोनों के बीच में ही रहना होगा। मान लीजिए कि शुरुआत के कुछ ही अंतराल बाद हम स्थिति को देखते हैं, तो हम ये तो निश्चित रूप से पता चला सकते हैं कि रानी और कंसल कहां हैं, पर विनीत की स्थिति का कुछ भी पता नहीं चलता। वो कितनी बार दोनों के चक्कर काट चुका है बिल्कुल पता नहीं चलता। अंतराल जितना भी छोटा हो, बात उतनी ही मुश्किल हो जाती है। कई बार ये भी लगता है कि शुरू शुरू में तो शायद विनीत रानी और कंसल दोनों से आगे ही निकल जाएगा, तो इस तरह हम शुरू में ही इस पहेली में उलझ जाते हैं। अब इसके लिए हमें समय को उल्टा करके देखना पड़ेगा, यानी कि समय की दिशा उल्टी करके देखते हैं। एक घंटे बाद रानी गेट पर है, कंसल उससे 2 किलोमीटर पीछे, और विनीत को हम इन दोनों के बीच में कहीं भी मान लेते हैं, किसी भी दिशा में किसी भी ओर मुंह किए हुए। अब क्योंकि हमारी घड़ी उल्टी चल रही है, तो रानी और कंसल सैक की तरफ दौड़ते हैं और विनीत उन दोनों के बीच दौड़ता रहता है। और ऐसा करते हुए एक घंटे पहले वे तीनों सैक एक साथ पहुंच जाते हैं। तो विनीत की पोजीशन चाहे कहीं भी होती, वो किसी भी दिशा में दौड़ रहा होता, एक घंटे पहले सब एक ही साथ सैक पर मिलते। तो अब इस तर्क से देखें और समय को वापस आगे की तरफ बढ़ाएं, तो यही निकलता है कि विनीत की सही स्थिति रानी और कंसल के बीच में कहीं भी हो सकती है, और वो किसी भी ओर मुंह कर दौड़ रहा हो सकता है। यानी कि इस कहानी में हम ये निश्चित रूप से बता सकते हैं कि विनीत की स्थिति रानी और कंसल के बीच में अनिश्चित है। शायद इसका यही मतलब है कि विनीत के लिए उसके दोनों ही मित्र बराबर हैं। आशा है आपको गैलेक्सी की ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।